के दिन हम लोग रेस करने वाले हैं। भाषा थी आज के दिन हम लोग रेस करने वाले द मोस्ट पावरफुल एसयूवी में। ओह, ये तो हिंदी थी। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। अब क्या करे, बचपन से काफी स्मार्ट था। यस, मैं अच्छे से जानता हूँ, किसी दिन बताऊंगा न्यूक्लियस को। रेडी थे? अरे वाह, बड़ी जल्दी लाइन पे आ गया। और ये देखो गाइस, व्हाट इज डन। ओके, बहुत कमाल का एक्सप्लोजन था। थैंक यू जॉब, मैं एग्जैक्टली वही करना चाहता था। कोई गलती नहीं थी वो? मेरे को तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। रेस पे ध्यान देना, देख कितना कमाल का है। ये बात तो सही बोली, एकदम मस्त टेलीपोर्ट हो रही है। क्या टेलीपोर्ट? नहीं, वो स्कैमर। ये इस स्कैमर के साथ स्कैम करा। अभी रेस बाकी है ब्रो, मेरी बारी भी आएगी तो ठंडे पानी से नहाएगी। बहुत घटिया राइमिंग थी, लेकिन मानना पड़ेगा हल्का सा फनी था। मैं कॉमेडी करता नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। क्या बात कर रहा है, तू खुद इतना बड़ा कॉमेडी है। आप लोगों ने ये रियलाइज कर लिया होगा, लेकिन मैंने अभी रियलाइज करा, हम लोग बर्फ में रेस कर रहे हैं। ये जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, न्यूक्लियर क्लॉज इज कमिंग अलोंग, एवरीबॉडी रन अवे। अभी क्रिसमस नहीं आया ब्रो, लेकिन वैसे ही मौसम है। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो बर्फ नहीं गिरती। न्यूक्लियस आप लोग बताइए, आपके यहाँ पर गिरती है या नहीं? और अगर नहीं गिरती, क्या आप लोग चाहते हो कि आपके यहाँ पर बर्फ गिरे? Yes or no? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। Yes, आप लोग स्नोमैन बना सकते हो, न्यूक्लियर को स्नोबॉल से मार सकते हो और आलसी बन सकते हो। वाह, डूबी गया मैं। पहले के दो चीजों के बारे में तो नहीं पता न्यूक्लियस, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ना, वो बॉब हर साल करता है, हर दिन करता है। नहीं, तू तो जानता है मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ आजकल। अगर तेरे से कंपेयर करूंगा तो एटलीस्ट मैं सूरज को देखता तो हूँ। ये लोग हमारे रेस ट्रैक पे क्या कर रहे हैं? इन लोग को नहीं पता क्या? नो एंट्री अलाउड। क्या तुम ये वीडियो बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हो? क्यों? अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जाओ और जो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, ये मैं तो मतलब ग्रे कलर का हूँ, लेकिन ये यहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो दबाओ ना यार। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, डू इट। काफी ठंडा पानी था न्यूक्लियस, ध्यान से, जुकाम हो जाएगा और फिर मेरी आवाज बदल जाएगी। ओके, गॉट इट। सामने बर्गर की फोटो है, भूख लग रही है। डोंट वरी ब्रो, मेरा मुक्का खा ले। नहीं रुक जा, वापस से पानी के अंदर नहीं जाना मेरे को। ये तो सच बोल रहा था, सही में बर्गर की फोटो है। अब क्या करे, मैं हुई इतना सच्चा, अपनी जिंदगी में एक झूठ भी नहीं बोला। अच्छा, कल एसएससी के टेस्ट में तेरे कितने नंबर आए? 15 out of 20। चौप एक बार मिस्टर सच्चाई की पोल खोलियो। 10 out of 20। बॉब, कुछ कहना चाहोगे? ये पार्ट वीडियो से कट कर दियो। नो। इन लोगों ने कितने सारे एरो लगा रखे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। इतना सिंपल तो है, नूब है क्या? तेरे पीछे ही हूँ मैं। कैसे से डरपोक है ये, मेरे को समझ नहीं आता गाइस, ऐसे फुट्टू लोग कहाँ से आ जाते हैं? न्यूक्लियर तू ही बार गिरा। जानबूझ के थोड़ी गिरा था, वो एक मछली डूब रही थी यार, बचाने गया था मैं। क्या, मछली डूब रही थी? हाँ, चींटी थी, उसका नाम मछली था। ये डूबती जगल की तरह बिल्कुल घटिया है। गुस्सा क्यों हो रहा है? लोग सच बोलती है, सच हमेशा कड़वा होता है। मान ही नहीं रहा कि मैंने मछली को बचाया जिसका नाम चींटी था, मेरा मतलब चींटी को बचाया जिसका नाम मछली था। पकड़ा गया। नहीं, और ये क्या है? अब आगे जाओ और कुछ जान जाओ। तू भी तो जा सकता है, जाना। नहीं, मेरे को तेरे को गिराना है। ये नहीं गिरा भाया, प्लीज इनविजिबल ब्रिज हो यहाँ पर। थैंक गॉड बच गए। ये है क्या? 2022 चल रहा है यहाँ पर। क्या ये हम लोग का हो गया? क्या, हाउ? एक सिंपल जंप करना है नूब। ऐसा है क्या? अब बीच में इतना बड़ा गैप था, मेरे को लगा कि दिमाग यूज करना है। ये तो सिंपल जंप है यार, देखो तो सही। पर ये अपने आप को प्रोफेशनल स्टंटर बोलता है। ये सही है, वो साइड से जाओ ना, दिमाग यूज करो थोड़ा। करा था लेकिन ब्लास्ट हो गई थी, थोड़ा जल्दी बता देते। अब तेरे को भी तो ब्लास्ट होते हुए देख रहा था। ये भी सही है, और इस टायर को टक्कर देंगे तो वाह, गाड़ी बाउंस हो रही है। मेरे को लगा वो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। व्हाट ए रियलिज्म, प्लीज जीटी वालों, अगर तुम ये देख रहे हो तो जीटी 6 में थोड़ा रियलिज्म डालना। तूने देखा मैंने कैसे डॉज करा? नहीं, मैं बिजी था। न्यूक्लियस मेरे कमाल का डॉज, नीचे टाइम स्टैम्प कर देना। रहने दो गाइस, कोई बेकार सी डॉज होगा। नहीं, तू फुल स्पीड में ज्यू करके आ रहा था और मैंने डॉज करा। ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। और ये क्या चीज है भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या? चक्कर आ रहे यार इसको देख के। हाँ? इतनी कम जगह क्यों है? यू लुक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ये हम लोग को बिल्कुल भी नहीं हिट कर पाएगा। लगता है वो जगह मिल गई। आइए, ये तो इजी है गाइस, ऐसी जगह पे कौन टेंशन लेता है। वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देखो,
आंसर मिल जाएगा। वाओ बच गए। नहीं। ओ शिट। क्या बात है यार, ये गाड़ी तो बड़ी कमाल की है। और बॉब के बच्चे मेरे को टक्कर देना था, वो तो गलती से हो गया था, माफ कर दो। ये क्या, मेरे से भी गलती से एक्सेलरेट हो रहा है, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जा रही है यार, ये क्या हो रहा है। रहने दे, मैं समझ गया, अगली बार ऐसे क्रूशियल मोमेंट में टक्कर देगा ना तो तेरी ढक के चिकी कर दूंगा मैं। ओके, कोई जरूरत नहीं है, तू खुद ही गिर जाएगा। सही में गिर गया, काली जुबान। इस बार देखना गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वापस से गिर रहा हूँ। बच गया। जीटीए गार्ड्स थैंक यू सो मच, एक और बार मदद कर दो प्लीज। ये चीज देखने में आसान लग सकती है गाइस, लेकिन जब ये मूव होता है ना तुम्हारी गाड़ी स्लाइड करती है इसके ऊपर। एकदम सही बोला। सही के बच्चे, हाउ आर यू? इट वाज फाइन। अब तू आ गया तो फाइन नहीं हूँ। हाँ, कितना गंदा है, मैंने इतने प्यार से पूछा हाउ आर यू और इसने ऐसे ही बोला। रुक जा, गिर जाऊंगा। गिराने का ही तो प्लान है। ये हमको गिराएंगे नूब कह के, असली नूब तो मैं हूँ, बिना देखे जब मार दिया। चलो आखिरकार तूने मान ही लिया कि तू नूब है। सिर्फ इसी ऑब्स्टिकल में, वैसे नहीं हूँ, टक्कर देता है। तूने भी तो दिया था हिसाब बराबर, चुप बैठ। ये देख क्या दिखा रहा था ब्रो, एक कमाल का स्टंट, लेकिन तूने टक्कर मार के सब बिगाड़ दिया। वैसे नहीं होगा रे, तुम्हें यहाँ पर नीचे से एक्सेलरेट करके ऐसे जाने का है और फिर गाड़ी के ऊपर भरोसा करने का कि ये सही में स्ट्रॉन्ग है। ये तो कुछ नहीं है, अभी तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। यार अब तो मेरे से रुका नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी कम्प्लीट करते हैं हमारे बिना। और नहीं तो क्या, सोलो रेस है, डो रेस नहीं है। अच्छा, ये चीज मैं याद रखूंगा। घंटा कल तक भूल जाएगा मैं जानता हूँ। और लगता है ये वाला जंप फेल होने वाला है, कुछ ज्यादा ही नीचे लैंड कर गए। नहीं, ये वाली एसयूवी तो आराम से माउंट चिलियर चढ़ जाएगी। किसी दिन चलते हैं, कैंपिंग करेंगे। क्या बात है न्यूक्लियस, आप लोग देख रहे हो बॉब एडवेंचरस बन रहा है। अब कैंपिंग में अच्छा अच्छा खाना होता है। ओके, मैं गलत था, ये लोग फिर से आ गए। अरे एक बारी में तुम्हें समझ नहीं आता क्या, रुको अभी इन्हें उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर सॉरी। नहीं तो इन लोग की इतनी हिम्मत कि मेरे रेस में आए। बच गया, निकलो यहाँ से, बाय बाय, और अपनी गाड़ी भी तो लेके जाओ। Nope. ओके, इनकी गाड़ी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सेकंड रुको, ये तो सेम मॉडल है, थोड़ा और फोर्स चाहिए और फिर ये नीचे गिर जाएगा। इतना खतरनाक ग्रिप स्ट्रेंथ कहाँ से आया इसमें? What? देख रहे हो आप लोग, ये तो गाड़ियों का हल्क है। गिर जा भाई। थैंक यू। नहीं तो यार भेजा फ्राई कर दिया था, तेरा तो पहले से ही है और तेरे पे तो भेजा है ही नहीं, नूब कहेगा। वाओ, मेरे को मेरी किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा था, विंडमिल से इतनी पुरानी दुश्मनी जो है। विंडमिल बहुत तेज मारता है। वाओ, ये क्या है, लेफ्ट और राइट, वेयर शुड वी गो? लेफ्ट। ओके, मैं जाने वाला हूँ फ्रंट। भैंस की पूछा क्यों, मजाक कर रहा था ब्रो, इसमें तो बूस्टर लगी है, एक सेकंड के लिए मैं सही में आगे चले जाता। हम लोग जाने वाले हैं लेफ्ट नहीं राइट, ये भी सही है। ओके, तो इसके ऊपर क्या होने वाला है, एक चेक पॉइंट? ओके, नॉट बैड। तो फ्रेसेस में जब ये नहीं मिलता ना तो हालत टाइट हो जाती है। और ये क्या है, हम लोग को लेफ्ट साइड भी जाना पड़ेगा। अरे तो बोर्ड क्यों लगाया बीच में लेफ्ट और राइट का, इन लोगों ने भी इस कैमरे के साथ स्कैम कर दिया। नहीं तो न्यूक्लियस आप लोग ही बताओ यार, वो बोर्ड लगाना जरूरी था क्या? जो भी हो, हम लोग को बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू के बच्चे, रुक अभी तेरी बैंड बजाऊंगा। ओ नो, अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, एक गाना आए या ना आए, एक गाना चाहिए। मिल गए, इस बार तो बैंड बजा के रहूंगा। तू फिर नीचे क्यों जा रहा है, पहले चेक पॉइंट ले लूं, वो ज्यादा जरूरी है। अब तेरी बैंड बजाऊंगा, नीचे आना। आ गया, ये ले। चोट लग गई, ड्रामेबाज डूब गया। है? इतनी जल्दी टेलीपोर्ट कराए, और तेरे से आगे भी चले गया। बाय बाय। नहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ऑल राइट बोलते, चेड्डी खोलते। सही में चेड्डी खुल गई। वॉलनट थोड़ा बड़ा बना देते, इनका क्या चले जाता, समय टाइम चले जाता। हाँ सही बोल रहा है। ठीक है, इस बार तुम लोग आराम से कम्प्लीट करेंगे। ये देखो गाइस, वॉल राइड्स आर द बेस्ट, कितने मजे आते हैं। आप लोग आराम से वॉल पे स्पाइडरमैन की तरह चिपकते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हो और फिर आयरन मैन बन के हवा में उड़ते हो। ये जंप हो पाएगा, एक सेकंड के लिए डर ही गया था। न्यूक्लियर वहाँ पर कोई है देखना, ऐसा है क्या? ओ नो, ये मेरी गाड़ी के कंट्रोल को क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको, अपने आप आगे की तरफ जा रही है। सॉरी ऑफिसर्स, गोली को चला रहे हो यार। न्यूक्लियर की एक्टिंग के लिए मैं दूंगा 5 में से 0 बर्गर, और तेरी बकवास को मैं दूंगा 5 में से 5 बर्गर, बहुत बकवास करता है। ये कैसी चीख थी, मेरे को भी नहीं पता यार, ये मैप अजीब सा है, जल्दी कंप्लीट करके चलते हैं। ओ देखो नकली फल, ये तो असली है। और क्या
क्या डिस्ट्रक्शन है? मेरे को नहीं पता था कि GTA 5 में इतना डिस्ट्रक्शन है। और ये बंदर ये गेम 5-6 साल से खेल रहा है। एक सेकंड रुक यार, डिस्टर्ब मत कर, दिस इज वेरी वेरी टॉफ। गिर जाएगा, बच गया, नहीं अटक गया। ये क्या हो गया यार, सीधी हो जाना प्लीज। तू वही रुक, मैं आके मदद करता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तू नीचे गिराएगा। मैं ये अपने आप कर सकता हूँ। कैसे लुढ़क लुढ़क क्या है, बच गया वरना वापस से डूब जाता। और न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हो क्या निकाला है? अब ऐसी थोड़ी मेरे को फ्रू बोलते है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब ये देखना, इस पे मैं अपनी खतरनाक टैक्टिक लगाऊंगा जिसको बोलते है स्लो वॉकिंग एंड ड्राउनिंग। लास्ट वाला मूव ट्राई मत करना, अभी बीटा में है, जब रिलीज होगा तब बता दूंगा। तब भी नहीं करेंगे, मतलब ही है हमें। ये क्या, सेकंड कैसे हो गया? जब तुम डूबे थे तब। वापस से फर्स्ट जाने का है गाइस, ज्यादा दूर नहीं है ये लोग। लेट्स गो, वी कैन डू दिस। टार्जन बहुत घटिया जंप थी। चेक पॉइंट आ जाओ, ब्रेक लग जाओ। आउच, ये क्या मजाक है, इतना सिंपल ऑब्स्टिकल। आर यू कॉमेडी मी, थोड़ा चैलेंजिंग सा ऑब्स्टिकल दो यार, इसमें तो मेरे को नींद आ जाएगी। इतना सिंपल जो है, इज दिस चैलेंजिंग इनफ फॉर यू? अब वो कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। बच गया, ब्रेक लग जा प्लीज। जिसने भी ये गाड़ी को बनाया है वो 100 साल जिए। नहीं, इसने न्यूक्लियर को गिरते हुए बचा दिया। Not fair. मेरे को गिराना मुश्किल ही नहीं ब्रो, ना मुमकिन है। देखा कैसे बैलेंस करा, अब तो मैं बैलेंसिंग में फ्रो बन चुका हूँ ब्रो। ये देखो इन लोगों ने एक और लूप लगा दिया, लेकिन इस बार मैं पागल थोड़ी हूँ। आराम से बीचों बीच जाएंगे और सही टाइम पे ब्रेक मारेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। ये क्या डाल दिया, बैलेंसिंग में इतना बड़ा फ्रो भी नहीं हूँ मैं। नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, बस आराम आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं गिरना यार, वापस ये लूप नहीं करना। चेक पॉइंट, तुम्हें देख के कितना अच्छा लग रहा है। फट गई क्या? तेरी फट गई होगी, बोला ना मैंने बैलेंसिंग फ्रो। टाइट रोप तो कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। और ये पतला सा ब्रिज भी बहुत इजी है। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया मैंने। ये क्या, बच गया? व्हाट? इसी बात पे जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर दोनों कर लिए तो बॉब नूब करके कमेंट करो। कोई सेंस है इस बात का? नहीं, उसीलिए तो मजा आ रहा है, बॉब नूब। एक तो यार इतना पतला सा ब्रिज है, गाड़ी स्लाइड भी कर रही है, बर्फ भी गिर रही है, पानी भी है नीचे, और उसके ऊपर हम लोग को चढ़ाई भी करनी है और नीचे भी उतरना है। वाओ, बहुत हो गया, अब मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, फुल स्पीड में जाऊंगा मैं। मैं अच्छे से जानता हूँ इस बार तो होगा ही नहीं, मैं तो वापस ही डूब जाऊंगा। अरे लैंडिंग करना तो मेरे को आता ही नहीं है। एक जंप हो गया तो क्या हो गया, आगे एक और जंप है। मैं जानता हूँ कि मैं फेल करने वाला हूँ। है न्यूक्लियस, मेरे को पता चल गया कि हर एक रेस कैसे जीते। कैसे? आप लोगों को बस ये कहना है कि आपसे रेस होगा ही नहीं, अब तो बहुत बड़े नूब हो। अरे ड्राइविंग करना आता ही नहीं है, गाड़ी को कंट्रोल करना ही नहीं आता। सही में नहीं आता मेरे को। पहली बार बंदर ने सच बोला। मौसम खराब हो रहा है, विजिबिलिटी जीरो, तेरे को शांत रहना चाहिए था। बेफालतू में चैलेंज चैलेंज बोल के और चैलेंजिंग बना दिया। अरे डरती है क्या? चिल ब्रो, जस्ट चिल, चिल जस्ट। उड़ के कैसा लगा? वो तो मैं जानबूझ के हवा खाने के लिए उड़ा था, नहीं तो ये बहुत इजी है ब्रो, देखना। वॉल राइड तो मेरा बचपन का दोस्त है। वो अब तेरा दोस्त नहीं रहा, कट्टी कर ली। नहीं वॉल राइड तुम ऐसे नहीं कर सकते, जब बचपन में बाकी राइड्स तुम्हें बुली करते थे, नहीं तो तुम्हें सेव करता था। ये क्या, वापस दोस्ती कर ली? न्यूक्लियस आप लोगों ने देखा कितना कमाल। अरे हो गया, आइए फ्रू द चैट। नहीं खोलती, गिर गए। नूब कहेगा, मैंने तो एकदम सही टाइम पे ब्रेक मार दिया था। अब इस वाले ऑब्स्टिकल में थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। बीच में क्यों आ रहे हो? देखो और सीखो, आप लोग को आराम से गाड़ी को ऐसे मोड़ना है और फिर दीवार के ऊपर गाड़ी को चलाना है और नीचे गिरना है, है? दीवार पे बस चढ़ाया और उससे भी अच्छा गिरा। सुन के अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आप भी ट्राई करिए ना। मेरे मुंह पे न्यूक्लियर करके थोड़ी लिखा है। हाँ, कुछ तो और लिखा हुआ है। ये क्या, हग्गू करके लिखा हुआ है। वो तेरे सर पे लिखा हुआ है, हग्गू। नहीं तू है, हग्गू। नहीं तू है, हग्गू। बहुत जगह लगा है बॉब, ये देख और सीख। क्या गिरना, ये क्या, ओह माय गॉड, रैम लेगो। इतने सारे वॉल राइड करके परेशान हो चुका हूँ, ये कौन सी जगह पे आ गया? वाडू एक, यहाँ तुम्हें गाड़ी का असली स्ट्रेंथ पता चलेगा। मेरे को स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करना, बस ऊपर जाना है। कैसी चढ़ाई है ये, 90 डिग्री एंगल पे जा रही है ऊपर। हाँ ऊपर जा रही है, ये तो सही में स्ट्रॉन्ग है काफी। ये वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक मी। नो, जस्ट लाइक मी। नो, जस्ट लाइक मी। I have a feeling कि ये काफी बिग जंप होने वाला है। सूरज भी बाहर निकल रहा है।
मैं सही था और ये इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतना एपिक जंप होने वाला है। मिलिट्री कैरियर शिप, मैं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा, डूबने जा रहा हूँ मैं तो। व्हाट? जीटीए गार्ड्स, थैंक यू जीटीए गार्ड्स, आप सभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मेरे को डूबने से बचाया। यहाँ पर इतने सारे जेंट्स क्यों है? प्लीज, क्या आप सभी लोग वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? कोरे में कुछ भी नहीं दिखने वाला, जेट्स को आगे की तरफ धक्का दे देते हैं। बॉब दी अग्गू आएगा, उसे लगेगा कि वो जीत जाएगा और फिर टकराएगा और फिर मैं आगे जाएगा और जीत जाएगा। ओके, आ गया अग्गू, आ गया, टकराएगा, डूब जाएगा और फिर मैं जीत जाएगा। Nope. भैंस की बीच में की तरह जेट्स क्यों लगा रखी है? यही मौका है गाइस, चौका मार लेते हैं, आइए।